अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने शाओमी के मोबाइल में एमआई के अकाउंट को रिमूव कर सकते हैं। इसको रिमूव करने के लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना है। तो अभी मेरे पास जो मोबाइल है वो शाओमी एमआई का रेडमी नोट 5 प्रो है, और ये देखें अभी इस पे जो एमआई का अकाउंट है वो लगा हुआ है। तो अगर तो आप चाहते हैं इसको रिमूव करना, तो उसके लिए आपको अपने पीसी में एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। उस सॉफ्टवेयर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉल करने के बाद आपने उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। और उस सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद आपने अपने मोबाइल को फास्ट बोट मोड में लेके जाना है, और फास्ट बोट मोड में लेके जाने के लिए आपने अपने मोबाइल पे वॉल्यूम डाउन और पावर का बटन 5 सेकंड से 6 सेकंड तक आपने इसको दबाए रखना है। जैसे ही वाइब्रेशन आपको फील होती है तो आपने इसको रिलीज़ कर देना है और बटनों को छोड़ देना है, तो आपका मोबाइल फास्ट बूट मोड में चला जाएगा। इसके बाद आपने अपने मोबाइल को यूएसबी केबल के साथ कनेक्ट कर लेना है और अपने पीसी पे चले जाना है। पीसी पे आपने जो सॉफ्टवेयर मैंने दिया हुआ है, गायो फ्लैशर इसका नाम है, आपने इसको ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद आपने फास्ट बूट इन्फो पे चेक करना है, और इस पे देखना कि आपकी डिवाइस है वो फास्ट बूट मोड में कनेक्ट है या नहीं। तो ये आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी, तो ये हमारा जो मोबाइल है फास्ट बूट में कनेक्ट है और ये वर्क कर रहा है। और उसके बाद हमने जाना है नीचे एमआई अकाउंट रिमूव फास्ट बूट, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। और इससे क्या होगा, हमारा जो एमआई का मोबाइल है उस पर जो एमआई का अकाउंट लगा हुआ है वो परमानेंटली इसमें रिमूव हो जाएगा। अभी ये देखिए ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, प्रेस यानी कि टू कंटिन्यू करके आप इसको क्लोज़ कर दें। और अब हम जाके मोबाइल चेक करते हैं, इसको ऑन करेंगे तो हमारा जो एमआई का अकाउंट है वो रिमूव हो चुका होगा।